हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ ए बिग डे। थोरंगला हाई कैंप कल पहुंचा था मैं, और आज यहां से निकल रहा हूं। थोरंगला पास क्रॉस करना है और मुक्तिनाथ पहुंचना है। तो सब खाली है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है सुबह कोई 4:30 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे निकले हैं, और अभी 9 बजने वाले हैं। मैं सबसे लेट हूँ। तो नाश्ते में ज़्यादा कुछ मन नहीं था, कुछ था भी नहीं, तो बिस्कुट खाए 2-3 पैकेट, 2-3 साथ में ले लिए हैं। थोरंगला तक है नहीं, दूसरी साइड में कुछ है, तो चलते हैं अभी। फिर ये है थोरंगला हाई कैंप, और यहाँ टेम्परेचर बहुत लो है, -20 के आसपास तो आराम से होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। कल रात में पानी वानी सब कुछ चारों तरफ जमा हुआ, पर अभी धूप निकली हुई है और हल्की हल्की हवा भी शुरू हो गई है, तो चलते हैं फिर। यहाँ तो यहीं से रेलिंग लग गई है, आगे क्या होगा। बर्फ बहुत ही ज़्यादा दिख रही है आगे। ये थोड़ा सा 50-1 मीटर का स्ट्रेच था रेलिंग वाला, इधर से बर्फ उड़ रही है। यहाँ पे वो भी नहीं है यार, हवा शुरू हो गई, ये काम गड़बड़ करेगी। ये जो हवा चल रही है ना, इसकी वजह से जो पगडंडी पे जो पहले गए हैं ट्रैकर्स, उनके पैरों के निशान हैं वो भी मिट गया है। बर्फ़ उड़ उड़ के गिर रही है, और उसके ऊपर फिर पैर जो है बहुत फिसल रहे हैं। हो, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ आप किस तरीके का माहौल है यहाँ पे। हवा तेज़ है, अभी यहाँ से मुड़ते ही और तेज़ हो जाएगी, ओपन एरिया आ जाएगा, तो आवाज़ शायद उतनी साफ़ ना सुनाई दे, कह नहीं सकते कुछ। यहाँ पे मेरे को पत्थर वगैरह गिरने की आवाज़ आ रही है। उस तरफ से कई देर से मुझे पत्थरों के गिरने की आवाज़ें आ रही है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से गिर रहे हैं। इनमें से है कि ऊपर वाले पहाड़ों से गिर रहे हैं। अभी इस तरफ से मैं आया हूँ, और यहाँ एक छोटा सा ब्रिज है पार करके, वहाँ चढ़ना है। उसके बाद दूसरी साइड पता नहीं किस तरीके का एरिया है या किस तरीके का रास्ता है, और इस तरफ का तो क्या ही कहें। अभी थोड़ी थोड़ी देर में ना सांस फूल रही है, क्योंकि एल्टीट्यूड काफ़ी है, 5,000 मीटर के आसपास हूँ मैं, और सुबह नाश्ते में भी क्या 2 पैकेट बिस्कुट खाए थे, 2 साथ में लिए थे, पर बैग में मेरे पास कुछ है, थोड़ा गुड़ है, उससे अच्छा सहारा मिल रहा है, कुछ टॉफियां हैं, तो बीच बीच में एक 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 चबा चबा के काम चल रहा है। वो ब्रिज के बाद ना ये जितना एरिया है 101 मीटर का होगा। उधर से मैं देख रहा था कि इस पर भी यहाँ से पत्थर गिर रहे थे। होय होय होय, एक ही सांस में बड़ी ही मुश्किल से इसको पार करके मैं यहाँ आया हूँ। 2 मिनट आके बैठा, तब जाके ना सांस वापस आई।
और अगर आपको लग रहा था कि अभी तक बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी रास्ते में, तो यहाँ से जिस तरफ मुड़ना है मुझे, ये है उस तरफ का माहौल। क्या कहें अब, कुछ नहीं कहो, चलते रहो। भयंकर तेज ठंडी हवा चल रही है। दिक्कत ये है, सामने वाली दिशा से चल रही है, तो जो बर्फ़ उड़ उड़ के आ रही है वो भी और परेशानी बढ़ा रही है। पर चलो, आ ही गए हैं अभी तो ये भी झेल लेते हैं। आज आज कई दिन है, करके हिम्मत, पहुंच ही जाएंगे मुक्तिनाथ। अच्छी बात ये है कि बर्फ़ से चाहे जो पगडंडी है वो मिट जाए, पर यहाँ पर भी ना ऐसे पिलर लगे हुए हैं, आगे भी है और उस तरफ भी है, तो ये अंदाज़ा देते रहते हैं कि आपको किस दिशा में चलते जाना है। इस वक्त मैं चारों तरफ ढेर सारी बर्फ़ से घिरा हुआ हूँ। और इस विल्डरनेस के बीच में एक दो कमरे दिखाई दिए मुझे। ये कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है, ये असल में जो पोर्टर लोग आते हैं ना सामान ढोने वाले, उनका रेस्ट रूम है, या फिर कोई इमरजेंसी में मौसम बिगड़ जाए तो उनके लिए है। ये देखो, है तो ये पूरा बंद ही, टी शॉप लिखा हुआ है इस पे, पर है कुछ नहीं यहाँ पे। दरवाजे आधे बर्फ़ से ढके पड़े हैं, छत पे भी बर्फ़ है, तो मुझे लगता नहीं पीक सीज़न में भी यहाँ पे चाय वाय का कुछ इंतज़ाम होता होगा, क्योंकि लोग सुबह 4 बजे निकलते हैं, 8-9 बजे तक यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं। चढ़ाई आ गई आगे, वो अब जो एल्टीट्यूड है इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि ये जो नीचे जो कमरे बने थे वहाँ से यहाँ तक शायद 200 मीटर है मुश्किल से, और 200 मीटर चढ़ने में भी 4 बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ा है, और आगे ये पगडंडी सीधी ऊपर पर देख ही रहे हैं आप। यहाँ मैं किस तरीके से साइकिल को बीच बीच में उठा के घसीट घसीट के चल रहा हूँ, वो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप सोचो, जहाँ 50 मीटर चल के आपको सांस लेने के लिए रुकना पड़े, वहाँ पीछे नीचे कैमरा रख के आके यहाँ पे वापिस नीचे जाके डबल चढ़ाई, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो अभी 2 घंटे से ऊपर हो गया चलते हुए, तो थोड़ी महसूस हुई ज़रूरत कि पेट में कुछ डाला जाए। बिस्कुट जो लेके आया था मैं साथ, वो खा रहा हूँ अभी, और अब महसूस हो रहा है मुझे जो एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन लेवल कम है। तो पहले भी मैं कहता रहा हूँ इस तरीके के ट्रैक्स पे, कि हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में जहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो, वो अपना असर दिखाता है हर किसी पे, और उसका यही इलाज है कि बीच बीच में चलते चलते
खड़े खड़े थोड़ी देर का ब्रेक लिया, थोड़ी देर का मतलब आधी मिनट, एक दो सिप पानी पिया, फिर चल पड़े। और यहाँ नींद बड़ी ऐसे होता है कि यहीं पे सो जाएं, पर सोना नहीं है, सो गए तो सोते सोते ही रह जाओगे। इस वक्त इतना मुश्किल हो रखा है ना चढ़ाई चढ़ना, मैं थोरोंगला मुक्तिनाथ के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ 100 मीटर का टारगेट लेके चलता हूँ कि 100 मीटर चढ़ना है, उसके बाद थोड़ा विश्राम, एक घूंट पानी, और उसके बाद फिर अगले 100 मीटर। चढ़ाई का लेवल इतना ऊंचा, एल्टीट्यूड और इतनी ज़्यादा बर्फबारी, ऊपर से साइकिल साथ में, अब तक मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े 2 या 3 एडवेंचर्स में से एक शामिल हो गया है। थोरोंगला तो अभी पहुँचना बाकी है। अभी जो नीचे थोड़ा वैली टाइप एरिया था ना, जो घिरा हुआ था इधर छोटी छोटी पहाड़ियों से, दूर वाले पहाड़ों से, उससे आ गया हूँ मैं ऊपर। और यहाँ इस तरफ ये है थोरोंग पीक, और इधर सामने 1.3 किलोमीटर दूर है थोरोंगला पास, और इस तरफ भी एक पहाड़ है। तो बीच का जो ओपन एरिया है, इसकी वजह से हवा बहुत ठंडी और बहुत तेज़ चल रही है। आवाज़ मुझे पता नहीं आपके पास कितनी साफ पहुंच रही है। तो 1.3 किलोमीटर है, तो 1.25 घंटा कम से कम और लगेगा। थोरोंगला पास अभी भी 700-800 मीटर के आसपास हो रहा है। ये वाइड ओपन एरिया है, और इसमें भी इस तरफ तो चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, हाथ एकदम ऐसे हो गए हैं। सुबह 2 पैकेट बिस्कुट के खाए थे, वो भी चलने के 1 घंटे बाद उल्टी आ गई थी। तो ऐसे इलाकों में नॉर्मल बात है वोमिट आना या नॉजियस फील होना, या फिर कई बार होता है कि आपके नाक से ब्लड के बूंदे भी निकलने लग जाए, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो एल्टीट्यूड होता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा ठीक हुआ, 2-4 बिस्कुट और खाए हैं उसके बाद। अब आधा किलोमीटर और मानो आप पास, एक क्रॉस करके बर्फ़ तो फिर भी रहेगी, पर उसके बाद ढलान आ जाएगी, तो वो थोड़ा आराम मिलेगा। तो उस तरफ जो पहाड़ दिख रहे थे, वो एक दिख रहा है उनमें से। इधर देखो आप, इसके ऊपर चट्टान है, इतनी तगड़ी जमी हुई है ना, चमक रही है। हाय रब्बा, ओहो, तो हम पास के बहुत नज़दीक हैं। सामने जो झंडे लहरा रहे हैं वो है थोरोंगला पास। अब जाके थोड़ी रात की सांस आई है, चलते हैं फिर, देखते हैं। खुश तो बहुत होगे तुम थोरोंगला पास साइकिल पर चढ़ाई चढ़ के। यस, मैं बहुत खुश हूँ और मज़ा आ गया। बहुत मुश्किल था, आई थिंक अब तक साइकिल साथ होने की वजह से सबसे टफ क्लाइंब कहूँगा मैं इसको। और ये है थोरोंगला पास का जो 0.5416 मीटर का फुट, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है। और ओहो, हाई कैंप से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, और इसके अंदर 4 किलोमीटर में मेरे को लगे हैं 4.5 घंटे। पर जो भी है, थोरोंगला पहुँच गए। अब यहाँ से दूसरी तरफ है ढलान, नीचे उतरना है। बर्फ़ तो रहेगी कई दूर, मुक्तिनाथ तक रहेगी या पहले रहेगी वो जाके देखेंगे,
par. This is amazing feeling to be here. 3 दिन भयंकर बर्फ के अंदर साइकिल घसीट घसीट के मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जब मैं आया था मुझे अंदेशा नहीं था कि ऊपर इस तरीके का मौसम मिलेगा, पर पिछले 5-7 दिन में जो बर्फ़ गिरी थी ना, तिलचो लेक का जो ट्रैक किया उसके बाद, वो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरी और उसी की वजह से ये इतना मुश्किल हुआ। पर जैसा भी है, जो भी है, इट वॉज ए ग्रेट एडवेंचर। एंड अभी यहाँ पे ज़्यादा समय बिताने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी जगहों पे रुकना भी नहीं चाहिए ज़्यादा देर। तो चलते हैं अब वापस, वापस क्या, आगे की तरफ, मुक्तिनाथ साइड। तो मिलते हैं रास्ते में मुक्तिनाथ। यहाँ से निकलने से पहले एक आखिरी नज़ारा दिखाते हैं आपको। इस तरफ से मैं आया हूँ और हवा आपको सुनाई दे ही रही है। पास का समिट और जीरो पॉइंट, जो भी इसको बोल सकते हैं आप। और इस तरफ के नज़ारे, इस तरफ जाना है अभी मुक्तिनाथ की तरफ। सो लेट्स गो। अन्नपूर्णा सर्किट का सबसे ऊंचा जो चढ़ाई वाला पड़ाव है वो थोरंगला पास ही है। और कमाल देखो आप, बिना किसी स्नो इक्विपमेंट के एक सिंपल से जूते और साइकिल के साथ 3 दिन बर्फ में। और ये जो पास है क्रॉस हो गया है, तो मैं तो शुक्र मनाऊंगा इस बात का, क्योंकि जितनी बर्फ है यहाँ पे, उस तरफ भी थी, इधर भी है आगे, तो कोई भी सिंगल बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास पूरे बर्फ़ के जो औजार इक्विपमेंट नहीं थे पैरों में पहनने के, इवन गाइड तक यहाँ के। सच में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हुआ है थोरंगला क्रॉस करके, क्योंकि तकरीबन 5-7 दिन से मनांग में ही मैं फंसा हुआ बैठा था बर्फ़ की वजह से, और दिमाग ख़राब होने लग गया था कि यार कैसे होगा। फिर ज़्यादातर तो लोगों ने यही कहा कि आप निकल जाओ वापस गाड़ी लेके, बहुत बर्फ़ है, नहीं होगा, क्योंकि तिलचो लेक का ट्रैक भी बंद कर दिया बर्फ़ पड़ने के बाद। मैं फिर कर कुरा के हिम्मत, मैंने सोचा जो देखी जाएगी चलते हैं, और ये हो गया। अब लगी है भूख बढ़िया। उम्मीद करता हूँ, मुक्तिनाथ काफ़ी बड़ा मंदिर है, इंडिया से काफ़ी लोग ट्रैवल करने आते हैं, तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे अपना टाइप का खाना मिले। इतना खाना है ना मैंने, बस मैं क्या ही बताऊँ, पेट फट जाएगा मेरा। कई दिनों की कसर है ना, वो सारी निकालनी है मैंने यहाँ, नहीं तो पोखरा जाके। यहाँ आधे रास्ते आके मुझे 2 टीन की छतें दिखाई दी है, ढाबे भी हो सकते हैं, पर मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है। मेरे दिमाग में चल रहा है पनीर, बटर, तंदूरी रोटी, कड़ी। हाय मेरे यार बा, कितने बग जाएंगे रोटी नू छड़ के। जिन्हें मर्जी मोमोज पिज्जे खा लो, कड़ी दी रीस कौन कर लो, कौन कर लो दसो। वो वहाँ से ऊपर ऊपर से ये दिख रहा है कि इस तरह बर्फ कम है, अदरवाइज ये जो टीले हैं इनके बीच में ट्रेल का रास्ता है उसके तो ऊपर लगातार बर्फ दिख रही है। बीच में एक दो जगह ऐसी आई थी जहाँ पे एक नॉर्मल रास्ता था, वो भी ऐसा पथरीला, वरना बर्फ तो है यार।
पर क्या है कि एक तो जितनी उस तरफ थी चढ़ते टाइम उतनी बर्फ नहीं है, और दूसरा अभी चढ़ाई नहीं है, ढलान है, नीचे जाना है, तो उतनी ज़्यादा थकान महसूस नहीं हो रही। वाह, चलते चलते यहाँ सामने ना एक बड़ी ही खूबसूरत रिज आई है। एक बार तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर ऊपर जाना है यहीं से, पर वहाँ नीचे से मेरे को इस तरफ से ट्रेल दिख रही है, तो यहाँ से जाना है। खंबे वो पोल लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो, और ये बड़ी सुंदर है पीछे का बैकग्राउंड तो क्या ही कहना है। उतरना भी कोई आसान नहीं है यहाँ पे। एक तो ये पथरीले उबड़ खाबड़ रास्ता, और फिर बर्फ़ जो यहाँ तो और नरम हो चुकी है, बीच बीच में पिघल रखी है, और चल रहे हैं धीरे धीरे। पर जब इस तरीके के स्ट्रेचेज आते हैं ना, वहाँ रिस्क रहता है, क्योंकि एक पैर थोड़ा सा फिसला एंड यू आर डाउन। यहाँ कई देर से एकदम खड़ी ढलान चल रही है, और इस पे भी रास्ता पतला कीचड़ वाला है, और आगे भी थोड़ी दूर और तक मुझे लग रहा है ये एकदम खड़ी ढलान है, और उसके बाद वो रिवर साइड का प्लेन एरिया आएगा। ला जी, अब जाके कोई मकान दिखा है। इस जगह का नाम है फेदी। फेदी शायद बेस को बोलते हैं ये। इस तरफ से भी है और उस तरफ भी एक फेदी कैंप था। वहाँ पर मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरा प्लान सीधा यही था कि यही मुक्तिनाथ पहुँचना है, वहीं जाके खाना पीना करेंगे। इधर लेफ्ट साइड मुक्तिनाथ है, उधर है छेंगूर, तो ये ट्रेल अपने को फॉलो करनी है। और ये वाला पुल मुझे लगता है हमें मुक्तिनाथ की साइड पहुंचा देगा। ये लंबा काफ़ी है, मेरे ख्याल पीछे तीन ब्रिज आए थे मनांग के बाद, उनसे भी लंबा ही है। और इसके नीचे जो है एक नाला है, नाला ही कहेंगे, नदी तो नहीं कह सकते शायद, और वो है बर्फ़ का, जमी हुई है ये पूरी इस तरफ भी। यहाँ से दिखाई दिया है मुक्तिनाथ का पहला व्यू, ये सामने जो आप देख रहे हैं गांव, और इस तरफ बेहद खूबसूरत घाटी काफ़ी फैली हुई है, और उस तरफ आप लगाइए अपर मुस्टांग का एरिया आ जाता है। तो चलते हैं अभी, पहले तो मुक्तिनाथ, उसके बाद देखेंगे बाकी बात। तो ये है मुक्तिनाथ, एंट्री हो गई है गांव में। अब ये ऐसी ऐसी दुकानें हर जगह दिख रही है गली पे। तो टूरिस्ट लोग जो आते हैं, मोनास्ट्री जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सबके हर जगह जैसे होता ही है, तो यहाँ पर भी वही है। अब सबसे पहला काम अपना है कोई ठिकाना देखना रुकने का, और उसके बाद कोई इंडियन खाने वाला ढाबा होटल मिल जाए ना। तो अभी 5 बज गए हैं और मुक्तिनाथ पहुँच के सारे मुक्तिनाथ में भटका मैं। सबसे पहले तो मैं कहा इंडियन ढाबा मिल जाए, कोई होटल मिल जाए, पर वो नहीं मिला। फिर थक हार के यहाँ ये भाई के पास है, तो ये यहीं के नेपाली, इनके होटल में रहने का अपना लिया एक रूम। खाना वाना भी होपफुली ठीक होगा, यहीं खाएंगे। और अभी बहुत थकान हो रखी है, कुछ चाय भाई पियेंगे, आराम करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे। शक्ल आप देख सकते हैं ऊपर, जो ठंडी हवा और सर्दी जो बर्फ़ की थी उससे कैसी हो गई है, तो सेब जैसा लाल हो गया है। अब चमड़ी उतरेगी मेरे को लगता है 1-2 दिन में ये। तो बाकी मुक्तिनाथ की यात्रा या आगे का सफ़र जो है
वो कल या अगले एपिसोड में, ठीक है।